अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या आपको याद है हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा? अगर हाँ तो फिर क्या आपने सरकार से मांगा है आंकड़ा? सपा ने मांगा केंद्र सरकार से 12 करोड़ रोजगार का हिसाब। सपा के सवाल पर केंद्र की मोदी सरकार ने लगाए गंदी सियासत के आरोप। युवाओं की आवाज उठाने पर सपा को बना दिया देशद्रोही। आपको याद हो न हो लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त युवाओं को साथ लाने और वोट हासिल करने के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद भी केंद्र सरकार के प्रवक्ताओं में शामिल पात्रा, त्रिवेदी और भाटिया नाम के प्राणी गला फाड़ फाड़ कर रोजगार देने का दावा करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये वादा प्रवक्ताओं की जुबान से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार जब मामले पर चुप दिखी तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मोर्चा संभाला और सरकार से जवाब मांगा कि आखिर वो रोजगार का जो वादा किया गया था उसका आंकड़ा मुहैया करवा दीजिए ताकि यूपी के बेरोजगारों के आंकड़ों की जानकारी को दुरुस्त किया जा सके। ऐसे में सपा नेता सुनील सिंह यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा और जवाब मांगने के साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर के फोटो के साथ ही अमर उजाला अखबार की कटिंग को साझा करते हुए लिखा, पिछले 6 साल में 2 करोड़ प्रति साल की दर से 12 करोड़ रोजगार मोदी जी ने बांटे, वो खोजे नहीं मिल रहे और ये 5 साल में 12 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। रोजगार तो मिला नहीं, पिछले 6 साल में जो मोदी सरकार की घटिया नियति और नीति के चलते बेरोजगार हो गए उनका क्या? सपा ने सवाल उठाया तो बीजेपी की भगवा ब्रिगेड के वो चमचे खटकने लगे जिनके हिस्से में झूठी प्रशंसा की खातिर बीजेपी सिर्फ फजीहत तोहफे में देती है, लेकिन वो उस फजीहत को भी मेवा मानकर खा जाते हैं, फिर लोगों के मुंह लग जाते हैं। ऐसे में सपा के सवालों पर फिर से चमचे भड़कने लगे और एक के बाद एक सपा नेताओं पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। हद तो तब हो गई जब सपा की देशभक्ति को सवालों में खड़ा कर बीजेपी समर्थक को तर्क करने लगे, लेकिन सोशल मीडिया पर ही कई यूजर्स ने जब उनकी शिक्षा और उनके रोजगार को पूछा तो सभी गायब हो गए। ऐसे में सवाल इस बात का है कि 12 करोड़ रोजगार अगर सरकार ने बांटे हैं तो फिर वो कहाँ हैं और अब तक बेरोजगारों की फौज सड़कों पर धूल क्यों फांक रही है? गजब की बात यह है कि केंद्र सरकार 12 करोड़ रोजगार का दावा कर रही है, राज्य सरकार 12 लाख रोजगार देने का दावा ठोक रही है, लेकिन फिर भी देश हो या राज्य यूपी, बेरोजगारों की फौज हर जगह मिल जाएगी। ऐसे में इस बेरोजगारी पर सवाल पूछना क्या गुनाह है? और अगर कोई सवाल उठाता है तो फिर उसी को आरोपी बना दिया जाता है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे सर्टिफिकेट देने वालों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाए और सत्ताधीशों को मुंह तोड़ जवाब दिए जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।